नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। भाई, आप लोगों का बहुत डिमांड थी, एक के बाद एक मेरा ड्यूटी बनता है आप सबका सुनूं और आप सबकी जो भी क्वेरीज है, जो भी जिस टॉपिक में वीडियो चाहिए उसको लाने का मेरा एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप लोगों को समझाना मेरा एक कर्तव्य है, एक दायित्व है। तो इसी सिलसिले में मैं एक और वीडियो लाया हूं आप लोगों के लिए। ये वीडियो टॉप 10 ऑफ बॉटलिफ टी फैक्ट्री सिलीगुड़ी लोअर तराई, सारी एरिया कवर है इसमें। जैसे कि पहले मैंने आसाम पे ऊपर लाया था, आसाम की टॉप 10 क्या है, बहुत आप लोगों ने प्यार दिया, अच्छा लगा। उसी तरीके से डुआर्स तराई के ऊपर आई थी। तो भाई, सभी तो कॉस्टली चाय तो ले नहीं सकते, महंगी चाय तो ले नहीं सकते। तो ये जो बॉटलिंग टी फैक्ट्री है, इनकी चाय सस्ती होती है, तो इनमें भी कुछ अच्छी चाय बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनको प्रेफर की जा सकती है। तो हर एक जो बाइंग रेंज आपके पास होना चाहिए, हर तरह के बायर हैं, हर तरीके के सेलर हैं, इनमें पहचानने की ज़रूरत है कौन अच्छी है, कौन बुरी है, किसकी क्वालिटी कैसी है। तो देर न करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। टॉप 10 BLF हमारा टॉपिक क्या है? टॉप 10 BLF मतलब बॉटलिंग टी फैक्ट्री, ठीक है। तो बॉटलिंग फैक्ट्री को BLF शॉर्ट में बोलते हैं। तो पहले बता दूं कि ये सिलीगुड़ी टी ऑक्शन जो 2022 में सेल की थी, सिलीगुड़ी टी ऑक्शन के थ्रू, उसका कट ऑफ लिमिट 1 लाख किलो, 1 लाख के ऊपर जितने भी फैक्ट्रियां सिलीगुड़ी टी ऑक्शन 2022 में जो सेल की, सेल नंबर 14 से लेकर के सेल नंबर 7 तक, उस डाटा के आधार पे ये टॉप 10 डिसाइड की गई हैं। तो इसमें और भी पॉइंट्स हैं, और भी मज़ेदार बातें हैं जो वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, आप लोग बने रहेंगे वीडियो में। ये सारी चीज़ें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो काफ़ी यूजफुल होगी आप लोगों के लिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी होगी। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो क्लोजिंग के टाइम पे मैं बताने वाला हूँ, फिलहाल मैं टॉप 10 की बात करता हूँ। देखिए, टॉप 10 में सबसे पहले हमारे पास जो डाटा आई है, सबसे पहले टॉप 10 पोजीशन किसको मिला है? नवापाड़ा रॉयल। देखिए, नवापाड़ा रॉयल एक जलपाईगुड़ी एरिया की फैक्ट्री है और नवापाड़ा अच्छी चाय बनाती है, इसकी चाय नीट एंड क्लीन होती है। अब इसमें जो बात है, ये टॉप 10 क्यों मिला है, कैसे मिला है, चाय तो बहुत बनाते हैं लेकिन 2022 में 1,03,669 केजी चाय इन्होंने बेचा और इनका एवरेज रेट क्या था? 151.12 रुपया। तो देखिए, ये एवरेज रेट रहा, चाय तो बनाते हैं करीब 15-16 लाख, 20 लाख के आसपास, 15 लाख से तो ऊपर ही चाय होती होगी इनकी, लेकिन इतनी ही चाय इन्होंने ऑक्शन में बेची, बाकी प्राइवेट बेच दिए होंगे, इनकी प्राइस ये रहा। जबकि लास्ट ईयर अगर बात करें, ये 2022 का हो गया, जबकि लास्ट ईयर की अगर बात करें 2021 में, तो 2021 में ये ऑक्शन में 10 पोजीशन से नीचे रहे होंगे, इनकी कोई पोजीशन नहीं थी, टॉप 10 में पोजीशन नहीं थी। और लास्ट ईयर इनकी जो है प्राइस इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है, ना ही क्वांटिटी, क्योंकि ये टॉप 10 में थे ही नहीं, ठीक है। तो अभी हम सीधा 9th पोजीशन में आ रहे हैं। तो आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई होगी कि भाई, बॉटलिफ जो फैक्ट्रियां हैं ये सारी चाय ऑक्शन में नहीं बेचती हैं, है ना। तो ये जो टॉप 9th पोजीशन में है, 9th पोजीशन किसको मिला है भाई? 9th पोजीशन में महक करके है, 9th पोजीशन है महक। तो महक इनकी ब्रांड नेम है, फैक्ट्री का नाम कोई और है। ये 2022 और 2021 में यहाँ लिख रहा हूँ, कंपेरिजन भी करना ज़रूरी होता है। इन्होंने अच्छी खासी चाय 450,152 किलो चाय इन्होंने ऑक्शन में बेचा और एवरेज प्राइस था 153.87 रुपया, ठीक है। तो 9th पोजीशन था इनका, लेकिन 2021 में क्या था इनका पोजीशन? 2021 में इनका 10th पोजीशन था। देखिए, 2022 में 9th पोजीशन, 2021 में 10th पोजीशन था। और उस समय भी इन्होंने चाय
294,654 किलो चाय बेचा और 154.36 रुपया इनका रेट एवरेज मिला था। थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ ज़रूर कम हो गई थी और थोड़ी सी प्राइस इनकी यहाँ पे प्लस थी 2022 में, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब कंपैरिजन करते हैं तो ये पता लगता है कि ऑक्शन में इनकी प्रेजेंस क्या है, कितनी ज़्यादा चाय ऑक्शन में बेचते हैं। जितनी ज़्यादा चाय बेचेंगे उतनी ही ज़्यादा इनकी एवरेज की एक्यूरेसी रहेगी और हम ये जज पाएंगे कि इनकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है और उनके सैंपल को टेस्ट करके चाय ली जा सकती है। तो ये अच्छी पोजिशन हासिल किए हैं, 9th पोजिशन ख़राब नहीं बोलेंगे। टॉप 10 बॉटली इतनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं उसमें टॉप 10 आना कोई मामूली बात नहीं है। तो अभी सीधा 8वां पोजीशन पे जाते हैं, नंबर 8 आंकड़ा 2022 का ये हो गया सूर्या। 8वां पोजीशन किसका मिला है? सूर्या। तो सूर्या जो ब्रांड है ये इन्होंने 8वां पोजीशन हासिल किया है 2022 में। 218,962 केजी चाय बेचा इन्होंने और 218,962 किलो चाय बेचा, एवरेज रेट कितना था? 155.63। देखिए इसमें सारे ग्रेड शामिल हैं तो इसके लिए कन्फ्यूज नहीं होना है। जबकि 2021 की अगर बात करें तो भाई इसका पोजीशन बहुत ख़राब था। इसका पोजीशन 29th पोजीशन था। देखिए कहाँ से कहाँ बढ़ के आया, इन्होंने अपनी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा ही अपग्रेड किया और 2021 पे जो 29वां पायदान पे थे सीधा 8वां पायदान पे आ गए। तो अच्छा अच्छी खासी छलांग लगाई। और 2021 की अगर बात करें तो 249,291 के जी चाय इनका था और मात्र रेट जो है 134.83 रुपया इनका एवरेज रेट था। तो इन्होंने क्वांटिटी तो बढ़ाया ही, क्वांटिटी थोड़ा सा घट गया, क्वालिटी में शायद फोकस किए होंगे। तो इनकी क्वांटिटी 30,000 के आसपास कम हो गई लेकिन इनकी रेट में जो है 20.80 रुपया का उछाल मिला। तो भाई क्वालिटी अगर करते हैं, मार्केट को समझते हैं तो ये स्वाभाविक सी बात है कि उनकी तरक्की सुनिश्चित है। इस सिद्धांत पे हम लोग को भी बिजनेस करना चाहिए, काम करना चाहिए जिससे कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज ना हो, कस्टमर को नीड को समझें और एक मिनिमम क्वालिटी दे पाएँ। तो अभी 7वां पोजीशन हमारा किसको मिला है? देखिए ये भी अच्छी खासी फैक्ट्री है। 7वां पोजीशन जो मिला है ये 2022 के हिसाब से, 7वां पोजीशन 2022 के हिसाब से कौन है भाई? बैकंठपुर रॉयल, ठीक है, बैकंठपुर रॉयल। देखिए बैकंठपुर रॉयल एक चाय मैंने सैकड़ों बार टेस्ट की है, बहुत अच्छी चाय है। 2021 में इनकी पोजीशन टॉप 10 के अंदर नहीं थी इसलिए इसका डाटा नहीं मिलेगा। डाटा तो देखिए है, ऐसी बात नहीं है, मिलेगी, लेकिन जो है इनकी टॉप 10 में नहीं थी। बट अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो चलिए मैं वो भी दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैकंठपुर रॉयल इन्होंने मात्र 121,464 केजी चाय बेचा ऑक्शन में और 158.20 रुपया इनका एवरेज प्राइस रहा। जबकि इस 2021 में कोई पोजीशन इनको नहीं मिली और इन्होंने मात्र 65,859 किलो चाय बेचा और एवरेज रेट 170.56 इनकी रही थी। तो ये ठीक है, एवरेज रेट में इन्होंने 12.36 रुपया की मतलब लॉस किए, लेकिन एक बात समझने की बात है भाई, एवरेज का गेम है, एवरेज के गेम में फंस सकते हैं। एवरेज बहुत खतरनाक है, एवरेज अच्छा भी है तो बहुत खतरनाक भी है। इस बात को भाई क्या हुआ, चार दोस्त थे, एक 3 फुट का था, एक 5 फुट का था, एक 6 फुट का था, एक जो है 6.5 फुट का था। सबका एवरेज हाइट मापा, भाई मिल गया 5 फुट, बोले भाई इस नदी को पार कर लेंगे, नदी की गहराई जो है 4-4.5 फुट है, हम लोग 5 फुट एवरेज आए। नदी पार करने गए, सबसे छोटा वाला डूब गया उसमें। तो क्या हुआ, एवरेज के चक्कर में जान गंवानी पड़ी। तो बात एवरेज का नहीं है, बात है यहाँ पे इनकी बहुत सारी ऐसी डाटा है जो समझने की ज़रूरत है। ये जो चाय जो बेचे हैं, ये सिलेक्टेड
थोड़ी बहुत क्वांटिटी बेचे हैं भाई। बॉटलिप टी फैक्ट्रियाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा ऑक्शन में बेचती है, इनका मेन फोकस होता है प्राइवेट सेल, ऑक्शन में बस नाम मात्र का थोड़ी बहुत बेचती है। ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपकी प्रोडक्शन का मैक्सिमम हिस्सा ऑक्शन में ही बेचना पड़ेगा, हालांकि होना चाहिए ऐसा। तो इस ढंग से इनकी एवरेज रेट आप समझ सकते हैं 2022 में काफ़ी घट गई क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी सी बची, हो सकता है इन्होंने हल्की चाय दी हो। तो जितने भी बॉटलिप टी फैक्ट्रियाँ हैं, बीएलएफ का एक कॉलम है, बीएलएफ में एक समस्या इस बात का है भाई, ये क्वालिटी चाय ऑक्शन में नहीं देते। इनको जो चाय प्राइवेट में सेल करने में दिक्कत हो रही है, उनकी एक लार्जर बायर ऑडियंस नहीं है, मतलब एक बहुत बड़ा बायर का उनके पास एक ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये ऑप्शन मिलता है कहाँ पे? ऑक्शन में। ऑक्शन में दे दो, लाखों लोग देखेंगे, कोई ना कोई तो लेगा ही। तो कुछ चाय जो नहीं बिकती है या कुछ सेकेंडरी चाय होती है, कुछ डाउन चाय होती है, ये ऑक्शन में दे देते हैं। तो इन बातों को थोड़ा सा बारीकी से समझने की ज़रूरत होती है, फिर भी ऑक्शन सेल के हिसाब से ये एक डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसकी क्या क्वालिटी है। सेकेंडरी भी अच्छी खासी बिक रही है तो क्या दिक्कत है। तो भाई छठवां नंबर जो पोजिशन है, सिक्स नंबर पोजिशन, गेस करें क्या हो सकता है 2022 में? छः नंबर पोजिशन 2021 का यहाँ लिख देता हूँ। तो भाई ये फैक्ट्री नहीं है, बांग्लादेश बॉर्डर के समीप है, 3 बीघा करके एक जगह है, 3 बीघा बहुत फेमस, एक डिस्प्यूट रहा है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, 3 बीघा गलियारा है और 3 बीघा के बारे में आप जानते होंगे। तो 3 बीघा थोड़ा सा नाम भी जो है ना काफ़ी यूनिक्स रखा गया है। तो ये 3 बीघा, 3 बीघा GIGHA, ये बीघा एक जमीन का माप करने का पैमाना है, कट्ठा, बीघा और इंग्लिश में एकड़ हेक्टेयर बोलते हैं। तो 3 बीघा जमीन की बात है, 3 बीघा थोड़ा सा जमीन के लेकर के सब विवाद हुआ था एक टाइम पे। तो 2021 में भाई इनकी एग्जिस्टेंस नहीं थी, 2021 में इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई डाटा नहीं है। 2022 की अगर बात करें तो 2022 में 147,078 किलो इन्होंने चाय बनाया और एवरेज रेट 158.24, मतलब 198.24 रुपया इनकी एवरेज रेट रही। और 3 बीघा अच्छी खासी ग्रो कर रही है, फैक्ट्री अच्छी है और लोकेशन भी अच्छी है, क्योंकि इनकी कंपनी भी अच्छी है, ये थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। तो आई होप ये लोग और भी अच्छे पोजीशन में जा सकते हैं इन फ्यूचर, लेकिन 3 बीघा जो फैक्ट्री है ये उस जगह पर स्थित है जहाँ पे स्कोप काफ़ी ज़्यादा है ग्रो करने का और अच्छी क्वालिटी बनाने का। तो 5वां पोजीशन पे आते हैं सीधा, 5th पोजीशन 2022 किसको मिला है भाई? ये बहुत पॉपुलर फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में मैं कई बार गया हूँ और जाने की बात नहीं है, उनके ऑनर से मिस्टर उदय अग्रवाल, इनसे काफ़ी ज़्यादा मेरा अभी भी संबंध है इस फैक्ट्री का, एक टाइम पे मैंने फुल टाइम भी दिया था। तो खैर वो सब बातें नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल। तो ये है भाई आसवी गोल्ड, ये आसवी गोल्ड मार्केट में छाए हुए हैं, बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं और इनकी चाय जो है आसवी गोल्ड में 26 किलो की, 35 किलो की, 38 किलो की, इसकी आसवी गोल्ड इस तरीके के बहुत सारी चाय आती हैं और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में काम करते हैं। फैक्ट्री का जो प्रोग्रेस है बहुत ज़बरदस्त रहा है और सबसे बड़ी बात है कि 2021 में भी इन्होंने 5वां पोजीशन बनाए रखा, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको गोल्ड लेटर में लिखा गया यहाँ पर। और क्वांटिटी की बात करें, फैक्ट्री में अच्छी खासी चाय बनती है, लेकिन इन्होंने 541,715 किलो चाय इन्होंने ऑक्शन में दिया और 169.22, भाई अच्छी खासी इनकी पकड़ है। 5वां नंबर सेम था यहाँ पे, 435,763 के जी चाय बनाया और 166.78 इनको रेट मिला, थोड़ी सी रेट इनकी 2022 में आके बढ़ गई, इस बात का ये सबूत है कि ये ग्रो कर रहे हैं, अच्छी खासी काम कर रहे हैं।
तो ये आसवी गोल्ड की चाय सच बताया तो बॉट लीफ में अच्छी खासी पोजीशन हासिल की है, और ये अच्छी खासी चाय ऑक्शन के साथ साथ प्राइवेट में भी सेल करते हैं। मेरे हिसाब से अपनी टोटल प्रोडक्शन का शायद 25% हिस्सा ही ऑक्शन में बेचते हैं। ठीक है, ये मेरा फिगर करेक्ट है, 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसी के आसपास होना चाहिए, 20-22 लाख चाय तो बनाते ही हैं वो। ठीक है, तो अभी आते हैं फोर्थ पोजिशन पे। फोर्थ पोजीशन कौन सा हो सकता है, गेस करिए आप लोग। ये बॉटलिफ्ट के बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्री वाले हैं, बहुत सारे मेरे जूनियर भाई लोग हैं, उनका भी डिमांड था कि इस पे कुछ टॉपिक लाए बनाए, तो बिल्कुल ला दिया भैया आप लोगों के लिए। थोड़ी सी तबीयत अप एंड डाउन होने से, थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम होने से वीडियो स्किप हो जाती है बीच बीच में, बट अभी फुल फ्लेश, अभी फुल मूड में हूँ, अभी रेगुलर वीडियोज आएंगे। तो अभी फोर्थ पोजीशन की बात करें, फोर्थ पोजीशन हमारा 2022 का, आप लोग गेस करें, इधर 2021 लिख दिया, भाई गेस करिए क्या हो सकता है। तो फोर्थ पोजीशन है हमारा दमनपुर, दमनपुर, दमनपुर जो ब्रांड है ये फोर्थ पोजीशन हासिल किया है। चाय की क्वांटिटी की बात करें, 1,43,623 किलो उन्होंने चाय बेचा, एवरेज 169.77, और 2021 की बात करें तो इन्होंने 3,13,364 किलो चाय बेचा, एवरेज 147.45, और इनकी पोजीशन लास्ट ईयर क्या थी, 14 नंबर पे थी। अब बात समझ सकते हैं भाई, 14 से 4 में आ गया, इस रेट से, इस रेट से इस रेट में आ गया भैया, क्वांटिटी तो कमा दिया। तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि ऑक्शन में प्राइस को किस ढंग से वायरल की जाए, प्राइस को कैसे बढ़ाए, लोगों के अंदर ये बात फैले कि भाई ये अच्छी चाय बनाती है, अच्छी प्राइस की चाय है, कुछ नहीं क्वांटिटी कम कर दो, अच्छी क्वालिटी की चाय दे दो, ये प्राइस मिल गया, अब बाकी प्राइवेट प्राइवेट में जो बेचेंगे उसकी भी एक बात रहेगी, नहीं मेरा तो चाय बहुत ज़बरदस्त है, ऑक्शन में रेट मिला है, आप इतना रेट कम क्यों दोगे। भाई ये सब गेम है, ये सब गेम है, इसलिए डाटा को, बेटा झूठ बोल सकता है, डाटा झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो डाटा कभी झूठ नहीं बोलता है, डाटा को एनालिसिस करिए, आप लोग समझ जाएंगे कहाँ पे क्या गेम है। भाई ये क्वांटिटी में अगर देता तब मानते कि हाँ भाई इसका पोजीशन सही है, लेकिन क्वांटिटी क्यों कम कर दिया। 2021 में आपने इतना चाय बेचा, 2022 में क्या आफत आ गई थी अपने कम चाय बेचा। इस चाय को बेचते तो मैं मानता कि हाँ आपने अच्छी काम किया है और इसमें रेट भी आपको अच्छा मिला है, बट ये एक गेम हो सकता है, सावधान होना है। बहरहाल इसने 4 नंबर पोजीशन हासिल की है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात से है, क्वांटिटी आपने क्यों कम की, क्वांटिटी आपको बढ़ाना चाहिए था, एक जगह प्रोग्रेस की है तो एक जगह आपने कम कर दिया, क्वांटिटी आपकी कम नहीं बनती, अच्छी खासी बनती है। आप एक फैक्ट्री है भाई, ये भी जो है नई नई फैक्ट्री है, और इन्होंने फैक्ट्री 2-3 साल पुरानी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट इन्होंने अच्छी काम की, ऑक्शन पे अच्छी पकड़ बनाई। तो थर्ड पोजिशन पे आ रहे हैं 2022 का, इधर 2021, 2021 में इनकी कोई प्रेजेंस नहीं थी, इनकी जो ब्रांड रजिस्ट्रेशन शायद बाद में हुई होगी, ये है पेटकी एक्सक्लूसिव, पेटकी एक्सक्लूसिव इनकी ब्रांड नेम है, ये विधाननगर के पास में फैक्ट्री स्थित है, बॉटलिफ्ट में आती है, तराई बेल्ट की फैक्ट्री है, इनकी कुछ प्लांटेशन इनके हाथ में है, और कुछ ऐसे प्लांटर्स हैं, स्मॉल टी ग्रोवर्स हैं, जहाँ से अच्छी पत्तियों का सोर्स करते हैं। तो पेटकी चूंकि ये ऑक्शन पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, अच्छी खासी चाय ऑक्शन में बेचती है, 3 नंबर पोजीशन हासिल की है, इन्होंने 1,77,304 किलो चाय इन्होंने ऑक्शन में बेचा, एवरेज रेट क्या था, 170 रुपये 41 पैसा। ठीक है, जबकि 2021 में इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, 2021 में इन्होंने कोई चाय नहीं बेचा, क्योंकि इन्होंने बाद में शायद रजिस्ट्रेशन की होगी, और इस ब्रांड को रजिस्टर्ड इन्होंने 2022 में
या 21 में करवाने के बाद से 2022 में बेचना प्रारंभ की होंगी। लेकिन जो भी है, इनकी चाय की अच्छी खासी रेट मिली है, ऑक्शन पे क्वांटिटी भी अच्छी खासी रही है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी चाय बेचे, शायद ये भी मेरे ख्याल से 30-35% प्रोडक्शन बेचे होंगे या उससे कम भी हो सकता है। तो भाई अब दो नंबर पोजीशन बॉटली भाई वाले तो कुछ गेस नहीं कर पा रहे होंगे, सोचेंगे अभी नहीं भाई ये दो नंबर का ब्रांड नेम कौन सा है, क्या है। निश्चय ही जलपाईगुड़ी एरिया की फैक्ट्रियों को ही मिलेगी, क्योंकि जो सिलीगुड़ी के आसपास में या तेराई के फैक्ट्रियों से अच्छी चाय जलपाईगुड़ी की फैक्ट्रियों में बनती है, ये आप सबको पता है। तो नंबर दो पोजिशन एक ऐसा नाम है जो उस नाम पे कन्फ्यूजन होता है, छोफली, छोफली CHOAPHALI, मुझे भी दिक्कत आ रही है, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, छोफली, ये हिंदी है, बंगला मुझे लिखना आता नहीं है। तो छोफली इनकी ब्रांड है, इन्होंने दूसरा नंबर पोजीशन हासिल किया है 2022 में, और 2021 में भी इनका जबरदस्त आंकड़ा रहा है। 2021 में एक नंबर पोजीशन था भाई, एक नंबर पोजीशन था, बहुत अच्छा काम किए। क्वांटिटी की बात करें 206,804 किलो इन्होंने चाय बेचा, 206,804 किलो चाय बेचा। इनकी एवरेज रेट थी 199 रुपया 11 पैसा, और 2021 की बात करें एक नंबर पोजीशन था तो 228,749 किलो चाय इन्होंने बनाया, 185 रुपये 74 पैसा इनका एवरेज रेट था। थोड़ी सी अगर 2021 की आंकड़ा को देखें तो थोड़ी सी क्वांटिटी तो कम हुई है, बट रेट में इन्होंने अच्छी खासी छलांग लगाई है, तो ये अच्छी बात है। ये ब्रांड जो है बहुत लोगों के बीच में अनकॉमन से है, पता नहीं होता है, लेकिन जो बायर हैं जिनको क्वालिटी की पहचान है उनको बढ़िया से पता है और वो चाय को समझते हैं, तो ये अच्छी खासी काम कर रही है। एक नंबर से घसक के दो नंबर में आ गए, हालांकि रेट अच्छा मिला क्योंकि इनके ऊपर भी कोई तेस्मार खां बैठा हुआ है। तो देखिए ये जो फिगर हैं ये टॉप 10 में आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, टॉप 10 के जितनी फैक्ट्रियाँ अच्छी खासी चाय बनाती है। थोड़ी सी कोई स्पेशल ग्रेड की बात करें, प्राइमरी सेकेंडरी का क्वांटिटी ऊपर नीचे अगर हो गया या किसी खास टाइम पे आप चाय ऑक्शन में नहीं दिए तो आपकी एवरेज रेट इफेक्ट हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी खासी पोजीशन पर नहीं है, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा समझना ज़रूरी होता है। तो देखिए अभी आएंगे एक नंबर पोजीशन पे, एक नंबर पोजीशन आप गेस कर सकते हैं, कोई बताएगा कौन सा हो सकता है। भाई एक नंबर पोजीशन पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लूंगा मैं। तो ये जो बॉटलिफ का गेम है बहुत ज़बरदस्त गेम है, बहुत सारी इसमें बातें हैं, इनकी जो प्लानिंग होती है, क्वांटिटी के साथ में जो गेम खेलते हैं, कितने प्राइवेट में बेचना है, कितना ऑक्शन बेचना है, किस ब्रोकर के थ्रू बेचना है, डायरेक्ट कहाँ बेचना है, बहुत सारी बातें होती हैं, कब चाय ऑक्शन में जा देते हैं, कब चाय कम देते हैं, तो इन सब चीज़ों को एक डीपली समझने की ज़रूरत है। मेरा कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके का जानकारी चाहिए, किसी भी चाय का टेस्टिंग रिपोर्ट चाहिए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं, हमारे ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा, समय निकालूँ, आपसे टच में रहूँ और समझाने की कोशिश करूँ। तो अभी एक नंबर पोजिशन में हमारे हैं भाई, एक नंबर पोजिशन कोई बता पाएगा कौन है भाई? नंबर वन पोजीशन हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, मीरा भाई, नाम भी जबरदस्त है, मीरा। नंबर वन पोजीशन किसको मिला? मीरा। देखिए मीरा ब्रांड काफी अच्छी खासी है और इन्होंने जो है 2022 में एक नंबर तो पोजीशन हासिल किया ही, ये चाय ज्यादा नहीं बेचे, 104,934 केजी चाय बेचे और इनकी एवरेज रेट थी 199 रुपया 17 पैसा। और 2021 की बात करें तो 2021 में भी इनकी पोजीशन ख़राब नहीं थी भैया, तीन नंबर पोजीशन था इनका,
2021 में एक नंबर था, तो यहाँ पे तीन नंबर पोजीशन था, तो ये टॉप थ्री के अंदर ही थे लगातार दो सालों से, और अच्छी खासी इन्होंने काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट ईयर की बात करें तो इनकी क्वांटिटी देखिए कितना अमेजिंग और बढ़िया रहा है, 1,03,927 किलो, ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं हुई क्वांटिटी में। इन्होंने चाय बनाया, 1,000 किलो का फ़र्क है। और इन्होंने रेट जो गेन किया 182 रुपया इन्होंने एवरेज रेट लिया। तो इनकी फिगर से लगता है भाई इन्होंने ट्रांसपेरेंट तरीके से बढ़िया तरीके से काम किया और इनमें ज़्यादा कुछ गोलमाल दिखता नहीं है, इसलिए पोजीशन एक है। टॉपर बनना आसान नहीं होता है, टॉपर बनने के लिए आपको दिल से मन से एकदम डेडिकेशन के साथ काम करनी होती है, ईमानदारी से काम करनी होती है, आपका विजन ट्रांसपेरेंट रखना होता है, एकदम क्लियर दृष्टि होना चाहिए। भाई आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, किसी भी हेल्प के लिए सहायता के लिए आप उससे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले टॉपिक किस पे चाहिए आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखें, जितना ज़्यादा कमेंट वही वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।